जय सियाराम। आज फिर दूसरा व्लॉग मैं बना रही हूँ और आज फिर से, क्योंकि आज फिर से जंगल जा रही हूँ तो मैंने कहा आज दूसरी सब्जी लाने जा रहे हैं, तो आज दिखाते हैं आप सब लोगों को कि हम कौन सी सब्जी लाने जा रहे हैं। हम कसरोड की सब्जी लाने जा रहे हैं। ये सब्जी भी बहुत ज़्यादा फेमस है और हर, मतलब जो पहाड़ के एरियाज़ हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ की बहुत ही मतलब सब लोगों की फेवरेट सब्ज़ी है, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है बनाने में और ये बहुत ही स्वाद होती है। तो देखते हैं आज का कैसा सफर रहता है। आज हम कसरोड के लिए जा रहे हैं। वो पीछे वो देखो, वो नाले नाले से जा रहे हैं। आज हम चढ़ाई पे नहीं जाएंगे क्योंकि पिछले व्लॉग में मेरे को चढ़ाई चढ़ चढ़ के बहुत सांस फूली हुई थी और आज हम सीधे सीधे जा रहे हैं पीछे नाले में, नाले नाले से देखते हैं हमें सब्ज़ी कैसी मिलती है। आजकल वैसे भी सब्ज़ी वो थोड़ी कम ही लगी हुई है और लोग ज़्यादा, ये देखो आपको थोड़ा सा व्यू पीछे में, तिलीगढ़ जो भद्रा का एक टूरिस्ट प्लेस है, होटल है, और यहाँ का व्यू मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसी नाले नाले हम पीछे जाएंगे, ये पीछे जो दरिया है, इस दरिया पीछे जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो हम जंगल जा रहे हैं लेकिन बड़ा ही सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए हमें इतना पीछे जाना है, अभी इस इधर से पीछे जाना है, बहुत पीछे जाना है। नए जंगल में पहुँच चुके हैं हम। अभी काफ़ी दूर जाना है, मुझे लगता है घर से 1 किलोमीटर की दूरी तक तो आ ही गए हैं हम, लेकिन अभी और पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो सब्ज़ी नहीं मिलेगी। बहुत ही घने जंगल में पहुँच चुके हैं। आगे एक दो चश्मा आएगा, मैं चश्मा भी दिखाऊंगी आप लोगों को। जो पहाड़ के लोग हैं वो चश्मे का ही पानी पीते हैं। ये देखिए ये सब्ज़ी होती है कसरोड, तो अभी तो उतनी ग्रो नहीं हुई है, ये छोटी छोटी है, बिल्कुल छोटी। बड़ी मुश्किल आएगी हमें ये चुनने में, छोटी छोटी चुन के सब्ज़ी बनानी है हमने। तो अभी हम बहुत पीछे तक जाएंगे तो देखते हैं कैसी जैसी मिलती है हमें ये सब्ज़ी कसरोड। चश्मे तक पहुँच ही गए हैं। ये देखिए पहाड़ में पानी का सोर्स, ये हमारा फ़िल्टर पानी होता है। यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट्स नहीं लगे होते हैं हमारे पहाड़ी एरियों में, और ये जो पानी होता है ये बहुत ही स्वादिष्ट जल होता है। ये देखिए काफ़ी दूर तक आ चुके हैं लेकिन अभी तक, यहाँ एक और चश्मा है जो आपको दिखाऊंगी मैं, ये देखिए एक और चश्मा है, लेकिन अभी तक हमें सब्ज़ी नहीं मिली है। अब देखते हैं और पीछे जाते हैं, और पीछे रास्ता है, दूर तक जाते हैं, देखते हैं मिलती है या नहीं। ये देखिए आप, ये कसरोड का ही एरिया है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी सब्ज़ी है जिसको जड़ों से निकालना पड़ रहा है। ये देखिए बहुत ही मुश्किल है आज सब्ज़ी बना पाना हमारे लिए। ये देखिए कितनी छोटी है, जो दिखाई भी नहीं दे रही है, बस आइडिया से चुन पा रहे हैं। इसमें दूसरी एक और प्रजाति है जो पॉइजन है, जो खाने के लिए हानिकारक है, जिसे हम नहीं चुनते हैं, लेकिन अगर उसको आप देखोगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी ग्रो हो चुकी है। लेकिन ये जो खाने वाली सब्ज़ी है तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुई है, कैसे होगी, डेली को मतलब लोग चुनने इनको आते हैं। ये देखिए एक और सेम इसी की तरह है प्लांट, ये सब्ज़ी वाला, लेकिन इसको हम नहीं खाते हैं। ये जो है ये सेहत के लिए हानिकारक है, इसको नहीं खाते हैं। पुराने ज़माने में कहते हैं कि अगर इसको खा लेगा कोई तो वो नाश्ता ही रहेगा। ये देखो एक कसरोड कहाँ पे, ये नहीं बेटा इसको नहीं चुनना। ये देखिए इस बच्चे ने ये जो चुना है, ये जो देखा है, ये कसरोड नहीं है, ये सब्ज़ी नहीं है। देखने में तो इसी प्रकार की लग रही है लेकिन ये सब्ज़ी नहीं है। ये देखिए ये सब्ज़ी ये होती है, इसको कोई अगर पहली या दूसरी बार अनजान बंदा कोई देखेगा तो वो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ये सेम दिखती है और इतना बड़ा पौधा इसका हो गया है, देखिए आप। लेकिन ये खाने के लायक नहीं है, इसको हमारी भाषा में नचन बोलते हैं, और जो इसको खा लेता, अगर इसकी कोई सब्ज़ी खा लेता है ना, तो मुझे लगता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो ना, पुराने लोग बोलते थे ये नचन है, इससे इंसान नाचता है। इसलिए ये नहीं चुननी है हमें, भी देख देख के कसरोड चुननी है। कसरोड की तो मुझे भली भांति पहचान है, तो इसलिए तो मैं आई हूँ चुनने। देखिए आप लोग, ये देखिए कितनी अच्छी जलधारा बह रही है। ये नाला जो है ये पवित्र नाला,
कहलाया जाता है। कहते हैं एक बूंद गंगा माँ की यहाँ पे है। यहाँ इसी नाले में काफ़ी पीछे जाने पर एक बहुत ही पवित्र स्थान है, गौपेड़ा कहते हैं वहाँ। लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी, मुझे लगता है वो काफ़ी दूर है, उधर तक तो नहीं पहुँच पाऊँगी। लेकिन कभी अगर समय मिला तो आप लोगों को मैं वहाँ गौपेड़े के दर्शन करवाऊँगी। तो ये नाला जो है ये मुझे लगता है से उस धार से ही आता होगा ऊपर से, और बहुत ही पवित्र नाला माना जाता है ये। लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत सारे ये भद्रवाह की जो सिंचाई, चुनौत मंदिर वाली साइड, यहाँ का जो फेमस मंदिर है, चुनौत जगह है, वहाँ सिंचाई के लिए यही जल इसी को लिया जाता है। सिंचाई के लिए नहीं, मतलब पीने के लिए, पीने के लिए इसी जल को पीछे से लिया ले लिया गया है पीने के लिए। सब्जी ढूंढते ढूंढते देखो हमें गुच्छी भी मिली है, कितनी बड़ी है, वाह दिल खुश हो गया इसको मिलके। ये देखो कितना अच्छा है, इसको हम अपनी भाषा में ठूंठू बोलते हैं, जो मैंने आपको कल भी दिखाया था पहली वीडियो में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितनी गुच्छी है, बहुत कीमती कीमती सब्जी है जो हमें मिल चुकी है। वाह करके पार जाना है, लेकिन बहुत ही टफ है, कैसे क्रॉस करेंगे कहीं मेरा फोन ना गिर जाए नाले में। वाह लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। ओह नो, देखिए वैसे उतना बड़ा नाला बड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है इतना भी मुश्किल है क्रॉस करना। चलते चलते हम काफ़ी दूर आ गए हैं और थकावट हो गई है, बुरी हालत में मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि कितनी थकावट हो गई है। इतने दूर तक आए हैं और सब्ज़ी थोड़ी सी चुन पाए हैं, अभी है ही नहीं, मिली नहीं उतनी ज़्यादा। मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी मिली है। तो ये देखो ये छोटी बच्ची हमारे साथ है, ये भी थक गई है, बहुत थकी हुई है ये भी। ये देखो आपने खाना लाया है? हाँ, तो आज हमने खाना भी नहीं लाया है, आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा मुझे लगता है। थोड़ा जल्दी जाना था लेकिन सब्ज़ी नहीं मिली है, तो अब क्या करेंगे देखेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो ये देखो ये मेरे साथ ही सब्ज़ी चुन ही रहे हैं, तो अब थोड़ी सी और चुनेंगे, मुझे लगता है आधा एक घंटा और लगेगा, और उसके बाद फिर घर जाएंगे, बहुत थकावट हो गई है। आपको ये जो बड़ा वाला पत्थर जो दिख रहा होगा, ये देखो जूम करके दिखाती हूँ मैं, कहते हैं यहाँ वन देवी का वास है। हम वन देवी को प्रणाम करते हुए पीछे जंगल की ओर जाते हैं, क्योंकि हम जब भी कहीं जंगल में या कहीं जाते हैं तो ये जो जंगल होता है इसमें वन देवियों का स्थान होता है, यहाँ पर वन देवी देवता रहते हैं। अगर उनको हम प्रणाम करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा जंगल में। अगर हम इनको माथा टेक के जाएंगे तो हमें कठिनाइयां नहीं आएंगी जंगल में, तो इसलिए मैं आपको ये जगह भी दिखाना चाहती थी। बहुत ही थकावट हो चुकी है, 2-3 घंटे लगातार चलने के बावजूद हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करा हुआ है, और खाने के लिए कुछ नहीं है, बस ये मखाने दिख रहे हैं कि यहाँ दीदी ने लाए हुए थे, और इनको खा के ही आज गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि भूख बहुत लगी है। क्यों दीबू, आपको भूख लगी है? लगी है हाँ लगी है ना, चाहे छोटी बच्ची है ना, इसको भूख लगी है तो क्या करेगी, क्या खाएगी। खा ले ये थोड़ा सा, खा ले लगी है। 1:30 बजे का टाइम है और खाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। ये जेब में पड़े हुए थे दीदी के ये मखाने, शरीनी जिसको बोलते हैं, तो इसी के खा के गुजारा करना पड़ेगा। आपने खाया? खा लो, आपको भूख लगी है जी? बड़ी भूख लगी है, पेट में चूहे। सही में आज हमने खाना नहीं लाया तो बहुत बुरी हालत हो गई हमारी। सब्जी भी हमने लगभग चुनी ली है, अब मुझे लगता है यहाँ ऊपर एक चश्मा मिलेगा हमें, तो वो पानी पी के अब हम घर ही जाएंगे। तो आज का ब्लॉग मुझे लगता है स्टॉप करना पड़ेगा। चल के चश्मे तक पहुंच ही गए हैं, अब पानी शानी पी के हम यहाँ से थोड़ी सी सब्जी यहाँ से उठाएंगे और घर की ओर प्रस्थान करेंगे। काफ़ी दूर आ गए हैं और आज का ब्लॉग मुझे लगता है दी एंड करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा हमने सब्जी तो नहीं चुनी है, थोड़ी थोड़ी ही चुनी है, लेकिन काफ़ी है अब आज की। ये देखिए ये सब्जी चुनने गए थे हम जंगल में, आज इतना पूरा दिन लगाया हमने आज ये सब्जी चुनने के लिए।
ये देखिए, ये जो सब्जी हमने कल लाई थी उसको आज धो धा के इसको रेडी कर दिया है हमने पकाने के लिए। इसके पूरे बाल साफ सूफ करके इसको धो के साफ़ सुथरा बना दिया है ताकि हम इसको पका सकें।